बिहार के भागलपुर में हुआ दर्दनाक हादसा, शिव बारात में शामिल एक युवक की गोली मारकर कर दी गई हत्या। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर में बदमाशों ने अमर कुमार को गोली मारकर नाले में फेंक दिया शव। रविवार की सुबह नाले में शव मिलने से मचा हड़कंप। घटना शनिवार देर रात की है। शिव बारात देखने के लिए घर से निकला था युवक, रविवार की सुबह नाले में मिली युवक की लाश। जेडीयू में सियासी घमासान के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में पार्टी के साथियों की बुलाई दो दिवसीय बैठक। उपेंद्र कुशवाहा के बैठक में लगे पोस्टर बैनर में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को नहीं दी गई जगह, हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पोस्टर में आए नजर। उपेंद्र कुशवाहा की इस बैठक वाली पोस्टर में जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव की भी लगाई गई तस्वीरें। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को पोस्टर में नहीं दी गई कोई जगह। बिहार के गोपालगंज से सामने आया हैरान करने वाला मामला। जेल में छापेमारी के दौरान कैदी ने निगला मोबाइल फोन। अचानक कैदी के पेट में दर्द होने के बाद कैदी को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां एक्सरे में पता चला कि कैदी के पेट में मोबाइल है। पटना के कांटी फैक्ट्री में अपराधियों ने दिनदहाड़े एक महिला गार्ड की गला रेतकर कर दी हत्या। मृतका महिला की पहचान फतुहा के निसी बुचक गांव निवासी दिनेश कुमार की पत्नी सुषुम देवी के रूप में की गई है। महिला गार्ड की हत्या के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर किया हंगामा। गोलियों की तरतराहट से थर्राया बेगूसराय का नगदहा मोहल्ला। बदमाशों ने दो युवक को मारी गोली, एक की मौके पर मौत, दूसरे युवक की हालत गंभीर। हल्ला हो रहा था तो मेरे दरवाजा को तार रहा था, हम लोग जाकर दूसरे घर में जाकर शिफ्ट हो गए। उसके बाद बगल के घर में गया, मेरा चचेरा भाई था, उसको पाँच आदमी था, बोल के बोला तो मार दो पेगा छोड़ो दो, उसका मोबाइल ले लिया, कहा फोन करेगा। उसके बाद मोबाइल चला गया, कहा कि कल फिर आएंगे, 2 लाख रुपया लेकर रखना। उसके बाद वहाँ से निकला, उसके बाद बस वो पैदल आ रहे थे, कहीं कुटमेती गए हुए थे, चौठा चौठारी में आए, पैदल आ रहे थे, उसी उनके घर के पास ही 5-6-7 गोली लगा। हम लोग तो अपना कुछ नहीं देख पाए, हम लोग शिफ्ट हो गए। जब अन्य उन्ने का आवाज़ आया तब हम लोग घर से निकले।